पर कर्म बनाने पंदे ने जस देता है जो दुनिया जस उस देने पंदे ने एक उस दिन का सवली दिल का नजराना काफी नहीं मस्ता दिल दार दे सिर पेट चढ़ाने पंदे ने सिर पेट चढ़ाने पंदे ने बंदा होके बंदगी ना की ता फिर बंदा एक बंदा की फायदा उच्चे देख के किसे दे महल सोने संगत विच शांति ना माणी ता फिर समागमण दा की फायदा नानक गुरजी तैनू त्यावा तेरे चरनी सीस निवावा तूड़ी चक मथे नू लावा जावा मैं बलिहारे जी तेरी ओट न रखा कोटिया वे कमलोट न आवे तोटा काब दे भरो भंडारे जी अंगद देवन से कमाई पदवी जी सेवा तो पाई नहीं ओ शक इस विच काई चरणी शीश झुकाईए करते आके ना शर्मा के प्यार जिता के सेव कमा के तूड़ी मस्त गलाइए जी अमरदास दी करिए संगत चाड़ी नवी सिखी नू रंगत वधाई संगत विचो पंगत आके बुढ़े वारे जी तेरी ओट न रखा कोटिया वे कमलोट न आवे तोटा काबदे परो पड़ारे जी चौथे सोडी गुरु रामदास कीता काम इना ने खास नी अमृत सरदी रास इना ने करवाए जी दर्दे अगे ना शर्मा के प्यार जता के सेवक मा के तूड़ी मस्त मिलाइए जी पंजवे साहब गुरु जी अर्जन दर्शन कर सेवा करके संगता तर्जन पांदी मां दे प्यारे जी तेरी ओट न रखा कोटिया वे कमलोट न आवे तोटा काब दे परो पड़ारे जी सेवे हर को बेंक जी सूरे धर्म दे बलि बचन दे पूरे चुकिया जाल ने ना मूरे सिखी पोल बनाइए दर्दे आके ना शर्मा के तारक ताके सेव कमा के तूड़ी मस्त कलाइए जी संत ने सत गुरु जी हर राए सत में सत गुरु जी हर राए दुखियों वाले दुख गवाए
ਪਾਪ ਸਭ ਪਾਏ ਸੰਗਤਾ ਲੈਣ ਹੁਲਾਰੇ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਕੋਟਿਆ ਵੇ ਕੰਮ ਲੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟਾ ਕਾਵਦੇ ਭਰੋ ਭੰਡਾਰੇ ਜੀ ਅੱਠ ਦਿਨ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਖੋਟੇ ਰੱਖੇ ਦੂੰਗੇ ਦੇਸਰ ਸੋਡੇ ਪੰਡਤ ਮਾਨ ਗਵਾਈਏ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜਤਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਮਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਜੀ ਓ ਨਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸਿਰ ਤੇ ਝੁੱਲੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਲਸੀਸ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਤੇਰੀ ਓਟ ਨ ਰੱਖਾਂ ਕੋਟਿਆ ਵੇ ਕੰਮ ਲੋਟ ਨ ਆਵੇ ਤੋਟਾ ਕਾਬ ਦੇ ਭਰੋ ਭੰਡਾਰੇ ਜੀ ਆਲਮ ਹਸਤੀ ਮੁਕੱਦਸ ਤਖਤ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਸੰਗ ਜੀ ਆਓ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਰੀਏ ਧਿਆਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਈਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਵੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਵਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਪੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੀਏ ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੌਮ ਕੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੌਮ ਕੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਤਨ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਤੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਖ ਚੈਨ ਪਾਏਗਾ ਵੋ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਜਿਸੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਵੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੌਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ
जिहड़ी हमेशा शहीदियां प्राप्त करने वास्ते अगे रही है। एक समय ऐसा भी आया इस कौम के उत्ते जदों इस कौम नूं जंगलां दे विच कानू आण दे शम दे विच बीकानेर दे जंगलां दे विच कश्मीर दीआं ठंडीआं पहाड़ियां दे विच वी जाणा पिआ। जालम हुकूमत ने अन्ना तसद्दद ढाउणा शुरू कर दित्ता। जकरिया खान, असल इहदा नाम जकरिया खान पर अक्सर आपां कहिंदे ने खान बहादुर जकरिया खान, इहनूं खान बहादुरी का खिताब तां मिलिआ सी। इहने बीड़ा चुकिआ सी ते सहुं खाधी सी इस्लाम दी कि मैं हिंदुस्तान दे विचों सिखां दा बी नाश कर दिआंगा, और इन्नी शक्ति की सिंह घर घाट छड़ के जंगलों में चले गए। बड़ा भयानक समा आ गया, पर सिंघा ने की किया जंगलों के विच जाके भी इन्होंने ना तो हाथ के विचों तेग छड़ी है, ना घोड़ियां दीआं कठियां छड़ियां ने, ते ना शस्त्र विद्या नूं भुलाया। दशमेश पिता का छकिया होया अमृत ओदी आन ओदी बान ओदी शान नूं कायम रखदे होए गोरीला जंग लड़दे। जदों देखिया ना भी जालम हुकूमत दीआं टोलियां फिरदियां ने, शिवाई फिरदे ने, इन्हां ने गोरीला जंग करना, जंगलां चों निकलना, झपट मारनी, इन्हां दा लुट्टिया होया माल इन्हां दे कोलों खोह के फिर जंगलां विच चले जाणा। जकरिया खान दीआं फौजां दे नक्क विच दम लिया दित्ता सिंघां ने। इधर लाहौर दे विच एक सरकारी ठेकेदार जिहदा नां इतिहास विच आउंदा भाई शुबेग सिंह, भाई शुबेग सिंह जिहदा खालसे पंथ विच बड़ा माण ते बड़ा सत्कार है, ते सरकारी ठेकेदार हुंदिआं होइआं सरदार शुबेग सिंह दा सरकार दे दरबार दे विच वी बड़ा माण है। ते जदों सिंघां ने गुरीला जंग लड़ना शुरू कर दित्ता, गुरीले हमले करने शुरू कर दित्ते, फौजां हैरान हो गई, पता नहीं शेर वांगू सिंह जंगलों विचों किधरों आउंदे ने ते लुट के किधरों चले जाते हैं। बड़े इन्होंने हीले किए भी किसे तरीके नाल सिंघां दे हमले रोके जाण, ते जिहड़ी मैं कसम खाधी सी बीड़ा चुकिआ सी, मैनूं खान बहादुर का खिताब मिलिआ है, सिंघां दा मैं बी नाश कर देना है, मैं इन्हां दा बी नाश करने की कोशिश करदा है, पर इह जंगलां 'चों आउंदे ने ते लुट के सानूं चले जांदे ने। बड़ा मंदा हाल कीता इहने, सोचिआ दिल्ली दी सल्तनत दे नाल इहने सलाह कीती भी एक राजनीति खेडी जावे, एक सियासत खेडी जावे, इन्हां दे नाल समझौता किया जाए भी तुसी साढ़े ते हमले ना करो, असी तुहाडे ते हमले नहीं करते। एक करके नीति तैयार इन्हें ना भाई शुबेग सिंह नूं सद्या जिहड़ा उस समय लाहौर दे विच सरकारी ठेकेदारी का काम करते सन, इन्हां नूं सद्या ते कहण लगा जकरिया खान शुबेग सिंह तेरा बड़ा माण है सरकारी दरबार दे विच, तेरा बड़ा माण है सिंघां दे विच, पंथ तेरा बड़ा सत्कार करदा है, एक कम कर ना ते सिंघ ही सौखे बैठे ने ते ना ही सरकारी फौजां सौखियां बैठियां ने, तू जा कंगनपुर चबहाल ते दयालपुर परगणे असीं इहनूं दिंदे आ पंथ खालसे नूं, जिहड़े जंगल 'च बैठे ने उह अपने परगणिआं विच आ के रहिण, ते नाल 1,00,000 रुपया नजराना ते नाल नवाबी की खिलत दिने। हुण शाहबाग सिंह जिहड़ा सुवेग सिंह का पुत सी इह काजी कोल पढ़दा सी, ते काजी चाहुंदा सी शाहबाज सिंह नूं इस्लाम दे विच लै के आउणा। हुण इह काजी भी सरकारी दरबार दे विच है, इहने सोचिआ एक तीर दे नाल हुण दो निशाने करने, भी जे जकरिया खान कहिंदा सुलह कराउण दे वास्ते जे ते पंथ ना होगी सुलह ते चढ़नी कला, ते जे ना सुलह हुई नाले शुबेग सिंह ते नाले शाहबाज सिंह दे उत्ते सख्ती करके इहनूं इस्लाम दे विच लै आवांगे। हुण जकरिया खान कहिंदा है तू साडा विचोला बन जा, तू साडा बन जा वकील, ते पंथ खालसे कोल जा ते साडी सुलह करा दे,
जकरिया खान शबेग सिंह नूं विचोला बन के पंथ खालसे नाल सुलह कराउण वास्ते जिवें कहिंदा है उस वेले दा प्रोग्राम दसदे साथी भाई सेवा सिंह सोहल भाई सुखविंदर सिंह सोहल अते भाई बलवंत सिंह जी हे इहो बयान करदे ने बई कहे जकरिया खान सिंह औखी की जाना जकरिया खान सिंह औखी की जान पास घट में प्राण नाले सत के सबेग सुनावे बन के विचोला सिंह जी तेरे अकेला गराज नू कमावे बन के विचोला सिंह जी नित नामे शोशे छंदे सारे छोटे अते वड्डे नित नामे शोशे छंदे सारे छोटे अते वड्डे दुख दिल वाले कंधे काहे सिंह मेरे मन नू दुखावे बन के विचोला सिंह जी तेरे आखे लागा तेरे आखे लाग राज नू कमावे बन के विचोला सिंह जी अंकुर सदिया सबेग तेज कीता मन वेगा तेज कीता मन वेग जावे चले आना तेज उची बोल के विरोब नू जमावे बन के विचोला सिंह जी तेरे आखे लागा राज नू कमावे बन के विचोला सिंह जी बादशाह दा विश्वास तेरे उत्ते रखे खासा बादशाह दा विश्वास तेरे उत्ते रखे खास पास कारी जलास नाले खान दिया खुशियां नू पावे बन के विचोला सिंह जी तेरे आखे लग तेरे आखे लग राज नू कमावे बन के विचोला सिंह जी दो जिले दा इलाका वजो दिते ने सुगाता वजो दिते ने सुगाता पंत बने दरा का एक लख नजरा नवी पहुंचावे बन के विचोला सिंह जी तेरे आखे लागा आखे लागा राज नू कमावे बन के विचोला सिंह जी सोची मन विच नीति नाले वड्याई कीती सोची मन विच नीति नाले वड्याई कीती हुण पाल परीती होर मनन च गल ना कोई आवे बन के विचोला सिंह जी तेरे आखे लग तेरे आखे लग राज नू कमावे बन के विचोला सिंह जी सिंह जंगला च लोक कदो कर देन रोखा कदो कर देन रोक हुण जापदा ना सुख पंत हलाना कुछ ती करावे बन के विचोला सिंह जी तेरे आखे लागा आखे लागा राज नू कमावे बन के विचोला सिंह जी होया पंछी सी तैयार मन करके विचारा होया पंछी सी तैयार मन करके विचार नाल गुणा दे प्यार मन तलगिया वाले नू ध्यावे बन के विचोला सिंह जी तेरे आखे लग आखे लग राज नू कमावे बन के विचोला
बणके विचोला सिंह जी तेरे आखे लग राज नूं कमावे। गुरु कीआं लड़नीआं फौजां जहेदार बलराम सिंह जी यूपी वाले बेअंत माया और अरदास करवा के गए ने, चढ़दी कला मेरे पातशाह उन्होंने बख्शिश करन। नाम दानिया दाता सरदार सुबेर सिंह नूं सदके जकरिया खान कहण लगा भई तू साडे वालों विचोला बन के जा, जिहड़े सिंघां ने ना साडा जीवना हराम कीता है किसे ना किसे तरीके नाल, ये सिंह गुरीला जंग करना छड़ देन, असी अपने घर सौखे होके बह जाइए ते सिंह अपने घर सौखे होके बह जाण। आ ना कहिंदे जिहड़े समागम हुंदे ने ना मेले गेले, ये उदों सफले हुंदे ने जां उदों ये भरे ते भरपूर मन्ने जांदे ने जदों जवाक गुआचणे शुरू हो जाण। आ ना एक बच्ची आ छोटी जी, इन्हें गुलाबी कोटी पाई हुई है ते काली इहदे पेंट है, शायद आ गए ने लैण वास्ते, बच्चे नहीं गुआचदे, बच्चों के मापे ही गुआच जाते हैं बच्चों को, भाई ध्यान रख्या करो ये बच्चे बड़े औखे मिलते हैं। तो मैं बेनती कर रहा सी भी जकरिया खान ने ना क्या भी तू विचोला बन के जा, तो पहला तो सुबेर सिंह कह लगा जकरिया खान जिन्ने का जुल्म तुसी कीते ने ना सरकार ने सिंघां ने मनना नहीं, क्यों? क्योंकि सिंघां दा जिहड़ी विचार है ना ख्याल है वो सिंह हमेशा ही ये पढ़ते ने को किसी को राज ना दे है जो ले है निज बल से ले है, वो तेरी दित्ती हुई नवाबी सिंघां ने परवाह नहीं करनी मैनू लगता। जकरिया खान कहिंदा कोई गल नहीं, आ तीन परगने भी दिते, लख रुपया भी दिता, तो आ नवाबी की खिलत भी असं दिने, ये भी ले जा। सुबेर सिंह कहिंदा मैं जाना जरूर हाँ पर अगे जे रजा पंथ खालसे की हुई तेरे ना वहदा मैं कोई नहीं करता भी पंथ नूं मैं मना ही आवांगा, क्योंकि जेडे दशमेश पिता के सूरमे योधे ने ना ये ईन इन्होंने जाता गुरु गोबिंद सिंह महाराज की मनी है तो जा मनिया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की, किसी जालम की ईन गुरु कीआं फौजां ने कदे भी नहीं मनी। ये जकरिया खान दे कोलों खिलत लैके नवाबी की ते पटा लिखा के इन्हों परगणिया का दयालपुर कंगनपुर के चवाल ये चल पिया, ये हुण पंथ कोल पहुंचा जथेदार दरबारा सिंह दे कोल। गर्मियां का समय है, दरबार लगा होया, ढाडी वारां गा रहे ने, ते भाई सुबेग सिंह फतेह बुला के संगत विच बह गए, तो सुबेग सिंह का सत्कार बड़ा सी पंथ दे विच। हुण जदों सुबेग सिंह नूं देखिया जथेदार दरबारा सिंह ने, जथेदार दरबारा सिंह बड़ा नीतिवान सी योधा, उन्हें देखिया भी सुबेग सिंह आया, इहदे नाल होर तीन चार ने, ये जरूर कोई ना कोई सरकार का सुनेहा लेके आया है। थोड़े समय बाद जदों वारा का भोग पिया, समाप्ति हुई, वारा गायन कीतियां ढाडियां ने उपरंत सद्या, बड़ा सत्कार किया, लाहौर का हाल पुछया, तो भाई सुबेग सिंह कहन लगा भी लाहौर का कुछ थोड़ा जा झुका होया पंथ वाले पासे। हुण जहेदार दरबारा सिंह कहिंदा झुका किवें होया, कहिंदा मैनू विचोला बना के भेजे जिहड़े तुहाडे गुरीला जंग करदा तरीका है ना, इहदे तों जालम हकूमत बड़ी डर गई है, जंगलों विचों सिंघ कदों आउंदे ने कदों लुट के लै जांदे ने, अनेकां ही मुगलिया सल्तनत दे सिपाहियां नूं मार के चले जांदे ने, बड़े औखे हो गए ने। उन्होंने ना सुनेहा भेजिया है, एक ते तीन परगणे तुहानूं दित्ते जांदे ने, एक आ नवाबी की खिलत दिती जाती है लख रुपया नजराना, उस समय के बड़ा हुंदा सी, इह भी भेजिया, यह प्रवान करो। तो हुण जथेदार दरबारा सिंह कहिंदा भी सुबेग सिंह तैनूं पता है तू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का सिख है, पंथ कदे भी जालमां दे कोलों आई होई
नवाबी ते बड़ी वड्डी वड्डी गल है, छोटी तो छोटी और नवाबी तो भी वड्डी। जे कोई भेटा जालमा वालों आवे ना, पंथ कदे भी उन्हूं ग्रहण नहीं करता। पंथ अपनी बाहां ते उत्ते विश्वास रखता है। जिहड़ी तेग जिहड़े शस्त्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानूं दित्ते ने ना, सानूं उन्हां ते माण है। जे राज लैणा होया, जे नवाबी लैणी होई ते पंथ आपे लै लेगा। शबेर सिंह ने बेनतियां कीतियां, कह लगे जथेदार जी सरकार का झुका होया है। सिंह कोई किसी जंगल विच, कोई बीकानेर, कोई कानूवान, कोई किते घर तो बेघर होए ने, ते जे सरकार का झुका होया ठुकराओ ना, कुछ समा सारे पंथ नूं जथेबंद होण वास्ते मिल जाएगा, एक टिकाणा मिल जाएगा। ये बेनती है मेरी, भाई शबेक सिंह जथेदार दरबारा सिंह नूं सरकार दे इस सुनेहे वास्ते मन्नण लई जिवें बेनती करदा है, उस समय दा प्रोग्राम दास दे साथी हे इहो बयान करदे ने भाई। ओ कहिंदा सिंह शबेक सिंह दरबार च आके सिंह ताई सुनावदा सी फतेह बला के फतेह बला के
हाथ जोड़ करा बेनती तुसी मन लो कहना सरदार शबेग सिंह जथेदार दरबारा सिंह नूं बेनती करन लगा कहिंदा जथेदार साहब माता दलीप कौर जी यूपी तो बड़ी संगत इस स्थान ते हर साल आउंदी है इस वार भी बड़ियां संगतां यूपी तो आईया ने जिन्हिया संगत इन्नी दूरों 400-500 किलोमीटर दूर तो आके इत्थे हाजरियां लवाउंदियां ने उन्हां सारियां संगतां दा दिलों धन्नवाद सतगुरु चढ़दी कला बख्शिश करन सरदार शबेग सिंह कहण लगा जथेदार जी बेनती है सरकार दे झुका नूं ना ठकराओ जिहड़े अज तुसीं जंगलां विच इधर कोई बीकानेर बैठा है कोई कानू आने दे शंभ विच बैठा है कोई पहाड़ां नूं चढ़िया होया है तुसीं सारे अपने इन्हां तिन्नां परगणियां विच बह के पंथ दा होर विस्थार कर सकदे हो ते इह जिहड़ी नवाबी है इह वी तुसीं लै लो हुण जथेदार दरबारा सिंह जे कोई हुंदा अज दा कोई उहने कहिणा सी दे दिओ डिग्रियां दे दिओ मिनिस्टरियां कोई गल नहीं गुरु दा प्यार जांदा ते भावे जावे कोई गल नहीं ਉਹ ਦਸ਼ਵੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਉਹ ਸੂਰ ਵੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਰਣ ਲਲਕਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੰਛੀ ਆਖਦਾ ਸਿੱਧ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੰਦ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤੁਰੰਗ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਤਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਵੀ ਨਾ ਮੋੜੋ ਆਖਿਰ ਗੁਰਬਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਬੜਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਬੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 9 ਤੇ 10 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦਾਈ ਅਰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 9 ਤੇ 10 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 11-12 ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਵੀ 10-11 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰਨ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸੇ ਹਮ ਬਾਤ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੇ 10 ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੱਤਰੇ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਨ ਬੋਲ ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਾਬਾ ਅਛਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ
बाबा जी के अस्थान यूपी के बाबा मेघ सिंह जी का जो अस्थान है उसे सेवा निभाते हैं उन्होंने वालों बड़ा माण आया। धर्म सिंह जी ग्रंथी सिंह उन्होंने वालों बहुत माण आया। सरदार भला सिंह जी नेता किसान यूनियन जिंदा शहीद उन्होंने वालों जथे का बड़ा माण किया गया सतगुरु चढ़दी कला बख्शिश कर। सेवादार कपूर सिंह पखे की सेवा करता कहना जथेदार जी मेन नवाबियां रहने वास्ते सेवा नहीं करता। हुण जथेदार कहना नहीं ए तेरी सेवा नूं फड़ लगा है ते तू सेवा जे पखे नहीं करता ना नवाबी भी तेरी झोली पई है। ये कह लगा हजोड़े ने कपूर सिंह कह लगा जथेदार जी एक बेनती है जे नवाबी देनी है एक मेरी बेनती है कि कहते जी आ जी पखे की सेवा मैं करता ना ये ना मेरे को खोई जाए मैं पखे की सेवा इस तरह करता रहा संगत की। देखो यह है निम्रता ये गुरु के लाल एडिया एडिया वड्डिया नवाबियां मिलने तो बाद भी यही अरदासा करते हैं कि असी संगत की पखिया के नाल सेवा करते रहिए। नवाबी दे दी गई कपूर सिंह नूं ते तीन परगने दिते गए पंथ खालसे नूं। हुण पंथ खालसे ने बड़े सुखां दे दिन देखे इतिहास बड़ा वड्डा है समा बड़ा थोड़ा जिहा है। मैं टूक मात्र बेनती करके अगे चला और ये प्रसंग मैं पूरा करके कोशिश करा तां तुहाडे को इजाजत लवां। नवाब कपूर सिंह हो गए जथेदार दरबारा सिंह बन गए ते सिंह जंगलां विचों निकल के अपने परगणियां दे विच आके वस गए। सिंह कनुवाण तो भी आ गए सिंह बीकानेर तो भी आ गए सिंह जिहड़े पहाड़ां नूं चढ़े सी वह भी आ गए जिहड़े दूर दुराडे सन सारे सिंह आ गए। इधरों सिंह कट्ठे हो गए उधरों जकरिया खान ने सुगदा खा सा लिया या अल्लाह आ जिहड़े जंगलां चों आउंदे ने शुकर आ कि इन्हां तों खड़ा छुट्टिया। इधर ना थोड़ा ही समा बीतिया पर जालम अपने जुलम तो कदे बाज नहीं आता। इन्होंने ना देखिया भी सिंह इन्हों परगणियां कट्ठे हो गए ने इन्होंने हौली 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 सगताई फिर शुरू कर दिती। जो सगताई शुरू कर दिती तो सिंह फिर जंगलों में सिंघा का धन घर ही घोड़िया दियां काठियां दे उत्ते ने उत्ते है हमेशा ही जंगलों बेलिया विच ते जंगा युद्धां नूं तैयार रहिंदे ने। ऐसी स्प्रिट गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भर दिती अपने खालसे दे विच जंगलों में सिंघा ने फिर वासा कर लिया। इधर ना भाई तारू सिंह इन्होंने लंगर अपने नगर तो बार बार आरंभ किया उस लंगर दे विचों बड़ा धर्मात्मा जीव आत्मा बड़े परमेश्वर नूं उस खुदा नूं मनण वाली उहदी इबादत दे रंग विच रंगी हुई रूह कोई भी आउंदा इस्लाम का आता हिंदू धर्म का आता सिख धर्म का आता खालसा आता योधा ही आते सारे लंगर छक जाते। जे कोई गरीब आता वह भी भांडे भरवा के घर में लै जाता पर भाई तारू सिंह ने कदे किसी को इनकार नहीं किया। हुण सिंह भी वेले कवेले लंगर छकते हैं तो वेले कवेले दूर दुराडे जंगलों में भाई तारू सिंह भी लंगर आप बचा के आते। हुण इत्थे हर भगत निरंजनिया इनू लगा पता इन्हें सोचा बी ये सिंह तो जकरिया खां कहिंदा सी मिटा देने ने यह तो फिर इत तारू सिंह ने लंगर ही ला दिता। हर भगत निरंजनीए ने जकरिया खान के कोल कीती है शिकायत तो भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया भी तेरे कोल चोर डाकू धाड़वी आउंदे ने ते सरकार दे बागी सिंह आउंदे ने। ये कहिंदा देखो जी मेरे कोई चोर नहीं आउंदा मेरे कोई डाकू नहीं आउंदा कोई धाड़वी नहीं आउंदा गुरु नानक दा लंगर है मैं ते लंगर छकाउंदा है जिहड़ा लोड़वंद आउंदा मैं किसे नूं इनकार नहीं करदा। इन्होंने कहा बई लंगर तो छकाउंदा जरूर है सानू पता लगा है तू जंगलों में भी जाके लंगर दे के आना जां तां सलाम कबूल कर लै नहीं तो तैनू खत्म कर दिता जाएगा मार दिता जाएगा। ये कहिंदा देखो ये सिखी मेरे केसा ते सवासा दे नाल लिवेगी मैं इस्लाम ते कबूल नहीं करदा मैं इत्थे बेनती करा धर्म कोई माड़ा नहीं होंदा
चंद लोग होंगे ने जड़े धर्मां बदनाम कर देंगे ने। इस्लाम धर्म में बड़े बड़े चंगे हुए ने, साईं मियां मीर वर्गे हुए ने, पीर बुद्धू शाह वर्गे हुए ने, गनी खां ते नबी खां वर्गे हुए ने। धर्म कोई माड़ा नहीं हुंदा, धर्मां दे विच कुछ लोग माड़े हुंदे ने जिहड़े धर्मां नूं बदनाम कर दिंदे ने। डॉक्टर इकबाल ने बड़ी सोहनी गल लिखी है, वह कहिंदा कहिंदा ना हिंदू अच्छे हैं ना मुसलमान अच्छे हैं, इरादे जिनके नेक हैं वो इंसान अच्छे हैं। फिर अगे कहिंदा ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आए बदी पे तो ये इंसान बुरा है। कौम कदे माड़ी नहीं होंदी। हुण जकरिया खान इन्हें सख्ती की, हरभगत निरंजनिया की शिकायत से चुगली करते गिरफ्तार कर रहे हैं। कहिंदे ओए इस्लाम दे विच आ जा, कहिंदा तैनू तेरा धर्म मुबारक, मैनू मेरा धर्म मुबारक, तू अपने धर्म दे विच रह, मैं अपने धर्म दे विच रहांगा। वो कहिंदे फिर लंगर छकाउणा छड्ड दे। कहिंदा नहीं, ये तो मेरे गुरु नानक का सिद्धांत है, मैं ना तो सिखी छड़ सकदा है ना मैं लंगर छकाउणा छड़ सकदा है, लंगर चलता रहेगा, सिखी चलती रहेगी। ये कहिंदा देखदे आ तेरी सिखी किन्नी चलती है। बड़े डरावे दिते, बड़े लालच दिते, पर जो भाई तारू सिंह किसी पासे ना मनिया, कहिंदा मेरी सिखी केसा ते सवासा दे नाल लगेगी। इत्थे इतिहास में जिक्र भी आउंदा है कि तारू सिंह दे केसा नूं ना कैंची नाल कट्टण दी कोशिश भी की गई, भी देखदे आ तेरी सिखी किवें निभदी है। कहिंदे लोहे दी कैंची भाई तारू सिंह दे केस ना कट सकी, जदों केस ना कट सकी तो फिर कहिंदे इहदी खोपड़ी उतार दिओ, इहदी खोपड़ी उतार दित्ती गई। जदों खोपड़ी उतारी कहिंदे हुण ते भाई तारू सिंह श्री जपजी साहब का जाप करदा है, कहिंदे हुण मौत वजा मरदी है। ते भाई तारू सिंह कहिंदा ओए जकरिया खान, ओह सिंह दे केस तू चमड़ी दे नालों समेत तां ला दित्ते ने पर चमड़ी तो अड नहीं कर सकिया, चेते रखी हुण केस मेरे सिर तो लह गए ने चमड़ी समेत, मैं जाना जरूर है दुनिया नूं छड के, पर याद रखी वो खालसे दी छित्र तेरे सिर ते होवेगा, तेनू अगे ला के लैके जावांगे। बड़े हैरान होए, वो सिर दे उत्ते खोपड़ी नहीं, सिर सारा ही नंगा है और इन्ना भयानक खून दियां धराड़ां वग रहियां ने, अजे भी कहिंदा तेनू जुत्ती अगे ला के लैके जाणा। बड़े हैरान होए, देखो जदों ये सिर इन्ना नाजुक हिस्सा है बंदे दे शरीर का, जदों सिर ते को सट लग जाती है बंदा घड़िया पलों के आ जाता है। हुण कहिंदे भी जकरिया खान तंदुरुस्त है, जकरिया खान सूबेदार है, जकरिया खान दे कोल फौजां ने, ते भला ये कल्ला सिख ये किवें छित्र अगे ला के लै जाएगा। हुण इत्थे जिक्र आउंदा है कि भाई तारू सिंह नूं इक डूंगी खड्ड दे विच सुट दित्ता गया। इत्थे कुछ सिंघां ने आग्या लैके भाई तारू सिंह नूं चुकिया, अपने घर में जाके ये मलम पट्टी करन दी कोशिश कीती है। चूड़ामणि कवि संतोख सिंह लिखदा है, कहिंदा भाई तारू सिंह कहण लगे नहीं मलम पट्टी नहीं करनी, जाना मैं सचखंड नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरणां विच, पर जकरिया खान नूं अपनी जुत्ती दी नोक दे अगे ला के लैके जाणा। इधर ना जकरिया खान नूं बन्न पै गया, पेशाब का बन्न पै गया, इहनूं इह बड़ा तड़पदा बड़ा दुखी है। तो जदों किसे पासे इहदा कोई वाह वास्ता ना चल सके, कोई पेश ना गई, तो कई ने सियाणियां ने आके कहा देखो हर धर्म चंगे बंदे भी होंदे ने, कहिंदे तू हो सकदा है बई तारू सिंह दे उत्ते बड़ा जुल्म कीता है, तारू सिंह ने कहा सी जुत्ती दी नोक अगे ला के लै जाणा छित्र दे अगे, किते उहदा सराप ही ना लग गया होवे। जे तेनू तारू सिंह माफ कर दे, हो सकता है तेरा ये बन खुल जाए। बड़ा तड़पदा कुरलाउंदा चीका मारदा, तो फौजा जिन्हां दे सिर ते ये बड़ा दमगजे मारदा सी सिखी खत्म कर देनी है, उन्हां दे अगे रो रो के वास्ते पाउंदा कोई कोई मैनू बख्शा ले भाई तारू सिंह दे कोलों। हुण कहिंदे भी जे पहला भी पंथ खालसे ना तेरी सुलह कराई तो शबेग सिंह ने, तो जे तेनों बख्शाउण की गल है तो सुवेग सिंह तो बिना मैं सानू कोई होर बंदा नज़र नहीं आता। भाई सुवेग सिंह सद्या गया, भाई सुवेग सिंह बेनती की सानू बख्शा दे, तो भाई सुवेग सिंह कह लगा जकरिया खान बड़ा जुल्म किया, बड़ा धक्का किया, हुण मैं किहड़े मूँह दे नाल मैं जावां, तेरे कहे ते पहला तेरी सुलह करवाई ते फिर शक्ति करके अज तू सिंघां दे इहदे सत्कार योग धर्मात्मा पुरश भाई तारू सिंह की खोपड़ी ला दित्ती।
ते हुण फिर मैनू कहिंदा इहने हाथ जोड़े कहिंदे वास्ता खुदा दा ओह मैनू बख्शा लै। ते भाई शबेक सिंह ने एक नीति सोची है भी हो सकता है भी जे मैं जकरिया खान नू बख्शा देवां भाई तारू सिंह कोलों ते शायद सिंघां उत्ते जिहड़ी सख्ती है घट जाए। ये विचार करके भाई तारू सिंह दे कोल पहुंचे ने सरदार शबेक सिंह, बेनती की ते भाई तारू सिंह कह लगे शबेक सिंह जी गुरु मेरा शरीर चाहे टोटे टोटे कर देंदे पर मेरे गुरु के केसां नू हथ पाया है एडे जालम नू बख्शिया नहीं जा सकता। इन्हें जिहड़ा काम कीता बख्शे जाण वाला नहीं है। पर शबेक सिंह ने बड़िया बेनतियां कीतियां, सत्कार धसदी सी शबेक सिंह, आखिर बेनती की भी तुसी तुहाडे मुख चों एक शब्द निकलिया सी मैं जुत्ती दे अगे ला के लैके जाणा है ते इहदे विच खालसे दी जित है, जे जकरिया खान तुहाडे जोड़े दे अगे लग जाए ना तुहाडी ही जित है। ते इत्थे ना भाई तारू सिंह का जोड़ा लिया ते जकरिया खान दे कोल लै गए। जकरिया खान ने कहा शबेक सिंह आ गए? हाँ जी आ गए। की कहिंदा तारू सिंह मैनू माफ करता? कहिंदा जी माफ आ हुण जुत्ती नहीं करना है। तारू सिंह कहिंदा मैं वचन किया है कि खालसे की जुत्ती ये हुण अगे ला के लैके जाएगी, जे तेरे सिर विच जुत्ती वजी फिर तेरा बन खुल सकता है। इन्हें ना जुत्ती फटाफट छेती कर मैं तो मर चलिया, इन्हें अपने सिर में आप ही मारी। जो हौली का मारी थोड़ा जा बन खुलिया, इन्हें सोचा थोड़ी होर ज्यों ज्यों मारना अपने सिर के उत्ते आप ही मारी जाता है, उवें उवें बन खुली जाता है। वह कहिंदा मैनू माफ करता तारू सिंह ने, वह मैनू माफ करता तारू सिंह ने, इहदा बन खुल गया। तो अपना भाई शबेक सिंह कहिंदा लियाओ फिर जुत्ती दे दिए। कहिंदा ना ना कोई पता नहीं, जे फिर बन पै गया मैं तेरिया तरले कितों करांगा, तेरे जुत्ती मेरे कोल ही रहण दे। कहिंदे क्यों? कहिंदा जे फिर बन पै गया अपने सिर दे उत्ते आप ही मार लू। ऐसे गुरु के खालसे। एडी कुरबानी करन वाला सरदार शबेक सिंह, तुसी ध्यान शायद दिता हो, मैं बेनती की सी थोड़ी देर पहला भी शाहबाज सिंह काजी को पढ़ता सी फारसी, इनू ना काजी कहिंदा सी भी तू इस्लाम दे विच आ जा, बड़ा सियाणा है बड़ा तगड़ा जुस्सा है, ते तू इस्लाम च आ जा मैं अपनी धी सलमा दा तेरे नाल निकाह कर देंगा। हुण शाहबाज सिंह वो जिहदी माँ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अमृतधारी सपुत्री, ते जिहदा प्यो शबेक सिंह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का सपुत्र, ऐसा माँ बाप जिहदा होवे वह पुत भला धर्म नूं त्यागदे कदे नहीं हो सकता। इन्हें ना बड़े अगों काबिल जवाब दिते। ये कहन लगा काजी भी जे तू ना मनिया फिर तेरे ते सख्ती कीती है ही, तेनू धक्के नाल इस्लाम दे विच असी प्रवेश करवा लवांगे। ये कह लगा काजी साहब तू मेरा उस्ताद है, मैं कह तो नहीं सकता कुछ, पर साडे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वो कहिंदे ने मुसलमान मोम दिल होवै, मुसलमान मोम दिल होवै अंतर की मल दिल ते धोवै। मुसलमान तो मोम वर्गा दिल हुंदा है, तू तू डरावे दे रहे काजी हुंदे हो, एक मास्टर हुंदे हो, एक सिक्ख्या देण वाला हुंदे हो, इनू लाजवाब कर दिता। इन्हें ना जो देखिया इन्हें अपनी बड़ी तोहीन मनी काजी ने, मेरी बड़ी तोहीन हो गई है। इधर ना इन्हें भी शिकायत की जाके जकरिया खान को, इतने ना कहिंदे दुबारे ये जिहड़ी कौम है ना बेशक कौम सारियां सत्कारत ने पर कैसे कई ऐसे लोग इन्ने अन्ने हो जाते हैं अपने राजशाही के नशे के विच ये भुल जाते हैं। देखो जेडे शबेक सिंह ने सिंघां दे नाल सुलह करवाई, जेडे शबेक सिंह ने तारू सिंह दे कोल जोड़ा लिया के इहदे सिर च मार के इहदा बन खोलिया, उसे शबेक सिंह ते शाहबाज सिंह नूं दुबारे तो गिरफ्तार भी कर लिया, दुबारे गिरफ्तार कर लिया। ते इहनां नूं उही फिर डरावे वही धमकियां असलाम कबूल कर लो नहीं तो तुहानू शहीद कर दिता जाएगा। समा पिछों आ जाइए 15 मिनट आ गए ने, दो कवितावां लाउणियां ने बस समाप्ति कर देनी है। जदों
कहते धक्के इस्लाम दे विच तुहानू लिआंदा जाएगा जे इस्लाम कबूल ना कीता। इधर जदों इन्होंने काजी नूं मंगाया कहिंदे ये सिख कौम का बड़ा वड्डा एक जथेदार है, बड़ी सन्मानित हस्ती है, ये वास्ते कोई सज़ा, वो कहिंदे ये वास्ते सज़ा है चरखड़ी दी, ये तो छोटी सज़ा नहीं। जदों सरदार शबेग सिंह लाहौर का एक कोतवाल भी रहे ने, जो कोतवाल रहे सन ना उदो चरखड़ियाँ पहला सी पर सुबेग सिंह ने पटवा दतिया सी, इन्नी भयानक सज़ा नहीं किसी को देनी। तो जो इन्हों गिरफ्तार किया वो चरखड़ियाँ फिर तैयार करवा रही, चरखड़ियों पर चाड़ के तूंबा तूंबा करके उड़ा दे। जो इन्हों चरखड़ियाँ पर बनिया चरखड़ियाँ घूमिया तो जो दंदिया के कोल गए ना इतने ये इस तो पहला जो ये शहादत का समा आता शबेग सिंह शाहबाद सिंह का वो तो पहला जालम जकरिया खान वो नरकों चलिया जाता है, एदा पुत्र यहीया खान वो ये तो वड्डा जालम ये जेड़ा जेल का सुपरिंटेंडेंट सी वो मोमन खान वो ये तो भी वड्डा जालम। तो मोमन खान ने यह सारा प्रोग्राम प्रकरण आरंभ करके काजी को फतह लवाया। तो जो चरखियां घूमिया दंदिया के कोल गए सोचा डर जाएंगे, तो जदों अजे नहीं डरे कहते खोलो इन्हों जो थले लाया शबेग सिंह पासे जाके कह लगे शबेग सिंह वो तेरा कला कला पुत मारिया जाएगा। शबेग सिंह कहता दशमेश पिता वाल चेते करो मेरे दशमेश पिता नू वो जिन्हें चारे लाल कुर्बान कर दते पंथ तो मेरा तो एक जा रहा है। वो शायर लिखता है कहता मेघनाथ की मौत से रावण रोए, मेघनाथ की मौत से रावण रोए, बाण मोह दे सिटिया चीर सी दिल, मरिया जदों अब मनुसी पांडवां दा हो गया फिर डाढ़ा दिलगीर सी दिल, लगा तीर जां सरवण दे विच सीने होया मापियां दा लीरो लीर सी दिल, वो दिसनों हट गए सी जदों पुत दोवें राजे दशरथ दा होनी गई चीर सी दिल, धन दौलत सुख आराम छड़े वो कदे शाह ते कदे फकीर सी दिल, टोटे जिगर दे वार ते लाल चारे, टोटे जिगर दे वार ते लाल चारे नहीं रोया वो गैर गंभीर सी दिल, सारा बंस गवा के दर्दियां दा संगते दर्द वंडा के दस्या सी वो लोकी ता पुत व्या के हसदे ने ते माही शहीद करवा के हसया सी, सतगुरु शहीद करवा के हसया सी। वो यहीया खान वो मेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह चार शहीद करवा के बोले सो निहाल, सत श्री अकाल दे जकारे गजाउंदा सी जे शहीद हो जाएगा तो फिर की होया। इधर शाहबाज सिंह नूं पासे करके शाहबाज सिंह नूं पासे करके कहन लगे शाहबाज सिंह चंगा रवेगा, शाहबाज सिंह चंगा रवेगा जे मोमन बन जाएगा, शाहबाज सिंह नूं मोमन खान जिवें कहिंदा है भी शाहबाज सिंह आज सलाम दे विच उस समय दा प्रोग्राम दस दे साथी हे ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਜ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਮਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਦਾਇਓ ਵਾਸਤ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾਰੇ ਸੀ ਦਿਲ ਕਬਰਾਉਂਦਾ ਸੱਤ ਵਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਹੁਕਮ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਮਾ
मनना जो खानी समझाया मने ना हुकुम खान दा तेरे बापू नु तमार मुकाया मने ना हुकुम खान दा तेरे वल नजर जो पावे उस नु जो नहीं पावे हुकम खान दा तेरे बापू नूं मार मुकाया पासे करके ना शाहबाज सिंह नूं डरा रहे ने ते तेरा पिता दे पासे करके शहीद कर दिता है ते तू हुण इस रंग दे विच आ जा तेरा प्यो मर गया की करेगा कल बहुत ही सत्कारयोग साडे इस नगर दे कथावाचक उन्हां वल्लों अपने छोटे वीरां दा बड़ा माण वो करके गए ने सतगुरु चढ़ी कला बख्शिश कर भाई पवन सिंह वालों सुख शांति की अरदास मेरे शहनशाह चढ़ती कला बख्शिश कर शाहबाज सिंह जो कहा ना भी तेरा पिता असी तो मार दिता है तू की करेगा हम शाहबाज सिंह का जवाब 18 साल का गभरू कहता मेरा प्यो तुसी कहने शहीद कर दिता क्यों कहते सलाम नहीं मने वो कहते भाई मेरे को की आस करते हो वो जेदा प्यो कुर्बान हो गया गुरु तो ओदा पुत हुण कलंक खट के दुनिया तो जाएगा वो छेती करो जेड़े राह मेरे प्यो नू भेजिया उसे राह मैनू तोर दियो केवल इको ही कविता कह के हुण खेमा दे जाच होवांगे ते बड़ी कोशिश कीती मोमन खान दी ड्यूटी ला दिती मोमन खान अज दी रात तेरे कोल ने जिवें मर्जी कर इन्हां नू इस्लाम कबूल जे कर लैण ते तैनू भी बड़े इनाम दिते जाणगे यहीया खान कहण लगा मोमन खान हुण मोमन खान ने अंतां दे तसीहे दिते किहड़े किहड़े तसीहां दी गल करिए बड़ा लम्मा समा सारी रात तसीहे दिंदे रहे ते जदों इन्ने तसीह हो गए भाई शाहबाज सिंह निडाल हो गए ना तन करके मन करके नहीं तन करके ते जदों इहदे केस फड़े होए ने
जो छड़दे ने इहदा सिर जो थले जांदा आ देखो हाँ कर दित्ती सलाम चाहेगा पहला दे केस फड़ के उत्ते करदे ने जो कहिंदे ओ शाबाश असलाम कबूल करता है उदो केस्ट ले कर देंगे सिर नीवा आ जाता आओ देखो हाँ कर देती है कई बार इस तरह किया हूँ यहीया खान बड़ा खुश भी आप बहुत चंगा हो गया जे शाह बादशाह असलाम आना प्रवान कर गया तो कहते लियाओ जो यहीया खान भी इस तरह दिखाया बड़ा खुश होया बड़ा हसया कहना चलो हम आप शबेक सिंह मना लीए हूँ शबेक सिंह को गए शबेक सिंह कह लगे तेरा पुत सलाम आना मन गया शबेक सिंह कहता मेरे सामने एक रहा कहा दो मैं भी सलाम कबूल कर लवागा जे मेरा पुत मन गया था हूँ कहने लियाओ शबेक शाहबाज सिंह शाहबाज सिंह लिया बाहों तो फड़ के पैरों तो तुरया नहीं जाता कुट कुट के हड्डिया पैरों दौड़ दतिया ने बड़ा भयानक तसीहियां दा यह मंजर सारी रात चलिया जदों लिया उस काल कोठड़ी दे विच शबेक सिंह दे सामने कहिंदा आ देख तेरा पुत सलाम विच आउणा मन गया ते इहने अपने पुत दे सिर ते हत्थ फेरिया कहिंदा पुत्रा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम वाहिगुरु कह के जदों इहदे चेहरे ते हत्थ फेरिया कहिंदा पुत्रा जालम की कहिंदे ने इहदियां अखां खुलियां ने देखिया मेरा प्यो मैं अपने प्यो की गोदी में पिया हाँ तो शबेक सिंह कह लगा पुत्रा ये कहिंदे ने तू सलाम कबूल कर लिया कहिंदा पिता जी अजे तो जान बाकी है जदों तक इस शरीर चो जान दा आखिरी कतरा नहीं निकल जाता उदों तक शाहबाज सिंह की जबान तो यह गल नहीं निकल सकती कि मैं सिख ही त्यागता कहिंदे जिंदगी तो मैं ला देंगा मैनू कतरा कतरा करके कट कट के बिस्सट देन पिता जी वो शहीद हो जावांगा दशमेश पिता तो पुत है कोई गल नहीं कहिंदा ओए तुसीं कहिंदे शाहबाज सिंह सलाम च आउणा मन गया बड़ा रोह चढ़िया बड़े गुस्से विच मोमन खान नूं बड़ा झड़किया यहीया खान ने वो झूठ बोलदा सी जदों झड़का पईआं नूं अग लग उठे कहिंदा चाड़ दिओ चरखड़ियां दे उत्ते इहनां नूं दूसरी बार चरखड़ियां दे उत्ते रस्सियां दे नाल बन्निया शबेक सिंह नूं ते शाहबाज सिंह दोने बराबर जदों नूड़ के चरखड़ियां दे साध संगत चरखड़ियां घुमाईआं तिखे चाकू चरखड़ियां दे उत्ते लाए गए ने हुण ओह शरीरां विच खुभदे ने मास खिच के बाहर लिआउंदे ने इधर श्री जपजी साहिब दा जाप दोने प्यो ते पुत कर रहे ने ते यहीया खान कहिंदा ओए किन्ना क आनंद आ रहा सिखी दा शबेक सिंह कहिंदा बड़ा आनंद आ रहा है आओ देख गुरु गोबिंद सिंह महाराज उड़ीकदा है ओ शाहबाज सिंह तैनू किन्ना क आनंद आउंदा है कहिंदा आओ देख मेरे वीर बाबा अजीत सिंह मैनू उड़ीकदा है आओ देख मेरा वीर जुझार सिंह मैनू उड़ीकदा है चरखड़ियां घुमिया ने तुंबा तुंबा करके दोने सिंघां नू इन्हां दे शरीर नू उड़ा दिता गया है दोने सिंघां नू शहादत दा जाम इन्हां ने किवें पीता वैरियां ने किवें इन्हां नू शहीद किया उस वेले दा प्रोग्राम दास दे साथी भाई सेवा सिंह सोल भाई सुखविंदर सिंह सोल ते भाई बलवंत सिंह जी है इहो बयान कर रहे ने भाई सिंह चरखड़ी ते चाड़ मैं दोबारा ना मन्या सलाम सी पहला पूछिया सी पापी सरकार ने जो सिंघा वालों परेशान सी जो सिंघा वालों परेशान सी ओ वेख सर देसी खान सेत सिंघा दी वेख सर देसी खान सेत सिंघा दी नैन जागे दरवेश दे हस हस के शहीदियां पावे सिंह गुरु दशमेश दे सिंह गुरु दशमेश दे ओ नाले हस दे मखौल दोवें कर दे ओ दंदे तेरे खुंडे ना कटे काम अपना ना छेती कर दे ओ बेचना शरीर लग दे ओ बेचना शरीर लग
चेहरे तक दे सी अखां विच लालियां दिल डारे सी मलेश दे हस हस के शहीदियां पा गए सिंधु गुरु दशमेश दे सिंधु गुरु दशमेश दे ਚਰਕੀ ਤੇ ਤੁਮ ਪਏ ਉੱਡਦੇ ਕੁੰਮੀ ਚਰਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡਦੇ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਮਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੁੱਲਾ ਹਿੱਲਾ ਦੇ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੁੱਲਾ ਹਿੱਲਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਦਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਪੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵੇਖਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਵੇਖਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਪਾਪੀਆਂ ਚਰਖੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾ ਲਏ ਜਦ ਰਹਿਆ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਏ ਪੰਛੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਵੇਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਪੰਛੀ ਸਿੰਘ ਰਵੇ ਜਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੇਵਾ ਸੋਲ ਲੋਚਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੰਘ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
अपने धर्म के उत्ते पहरा देंदे हुए गुरु दे रणजीत सिंह जी उन्हां वल्लों अरदास सतगुरु कृपा करन पोतरे दी दात बख्शिश करने घर बड़ा वड्डा है जिहा मनोरथ कर आराध्य सो संतन ते पावर मेरे पातशाह कृपा करदे ने सब तरह करके मेरा करन ये बड़ा महान ये शहादत दा सीन जेड़े कौम ये कौम ही ऐसी है जे गिणती करिए ना साडे वीर कथावाचक बैठे ने मैं एक दिन सोच रहा सी वे सारे जिन्हें शहीद साड़ी कौम दे हुए ने ना जे रोज वंडिए तकरीबन 4200 का आंकड़ा बनता रोज का शहीदों का लगभग 4200 का एड्डी वड्डी कुरबानी है इस कौम की। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करा भाई बलदेव सिंह जी का जिन्होंने तुहाडे संगतां दे इत्थे दर्शन करन दा समां बख्शिया है उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद ते इत्थों दी प्रबंधक कमेटी दा बहुत बहुत धन्यवाद तुहाड सारियां संगतां दा तुसीं देवतिआं वांगू समाधियां ला के बड़े चिर तों बैठे हो अपने नमाणे जे जथे नूं सरवण कीता है आप जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं बेनती करां ये जो बच्चिआं नूं तुसीं देख रहे हो भाई सुखविंदर सिंह ते भाई सेवा सिंह दोनों सके भरा ने आ बाबा जी का जो छन्ना तुसी अंदर देख रहे हो ना शीशे में मड़िया होया इन्होंने घर से पहला आ 3 साल हुए ने इन्होंने फिर इतने ये सेवा की है बड़ा चेहरे बाबा जी ने इन्होंने परिवार ने वो छन्ने की सेवा की है तकरीबन 3 साल का समा हो गया उदो फिर ये इतने सेवा करवा के गए सन बाबा जी का अपना परिवार है सतगुरु कृपा कर इस तरह सारिया संगतों को अपने चरणों के नाल जोड़ी रखन जथे की हाजरी नवाओ हुई भुलों की खिमा दास सतनाम सिंह पंछी भाई सेवा सिंह सोल भाई सुखविंदर सिंह सोल ते भाई बलवंत सिंह कविशरी जथे नी हाजरी प्रवान करो दियो आ गया दियो आशीष बला फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन सेवकाओं का सरवार कविशरी जथा ज्ञानी सतनाम सिंह जी पंछी यूपी वाले बड़े ही सत्कार बड़े चढ़ती कला के नाल उन्होंने सिख कौम के महान शहीद भाई तारू सिंह साहब जी भाई शलेक सिंह जी भाई साहबान सिंह जी उन्होंने महान सूरगिर योध्या का इतिहास आप जी के नाल साझा किया ज्ञानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबक संगत नगर काली अस्पताल दोवें नगर की संगत वेदिया की संगत यूपी दवाइया संगत का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहना जो पिछले समय तो तुम धन धन बाबा मेघ सिंह साहब जी का सालाना जोड़ मेला 10-11 माघ को मनाते आ रहे हो दोवे नगर दंगत ने सब तो व्डा जो सहयोग है वो कालिया की संगत वेदिया की संगत है जिन्होंने संगत के नाल गुरमता करके सारिया संगत ने बैठ करके गुरमता करके जोड़ा ये जोड़ मेला है पहलो किया है क्योंकि धन धन गुरु अमरदास महाराज साहब जी का विआह पुरब जो बाद मना शुरू होए पर वो दिन वो आ रहा उस गुरु साहब का दिन जान के सत्कार वजो ही नगर निवासी कालिए